माता की प्रार्थना कीजिए। जरत्कार जगत गौरी मनसा सिद्ध योगिनी वैष्णवी नाग भगिनी। आगे तीन पिंडियां हैं जिन्हें माँ का रूप भी माना जाता है। ये तीनों पिंडियां महालक्ष्मी मनसा पटियाला रियासत के महाराजा करम सिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। जो मानसरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे तब दोनों का तेज इकट्ठा होकर कमल के पत्ते पर जमा हो गया। देवी का आसन हंस होता है जबकि उनके सहचर सर्प होते हैं। पाठ कर लेने से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नमस्ते पार्वती नाथ है विश्वनाथा है दयामय ज्ञान काली माँ ब्रह्मांड की सभी तरह की बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। माँ काली को कालरात्रि भद्रकाली भैरवी जा करो आस पूरी नमो अम्बे माता करो दुख दूरी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीबी ज्ञानशाला पर एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन। नवरात्रि स्पेशल में अब आपको माँ वैष्णो के दर्शनों के बाद हम लिए चलते हैं हरियाणा, और हरियाणा में हम आज दो मंदिरों के दर्शन आपको कराएंगे। एक है मनसा देवी मंदिर और दूसरा है माँ कालका का मंदिर। दोनों ही मंदिर हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित हैं और बिल्कुल चंडीगढ़ के समीप हैं। चंडीगढ़ से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और ये दोनों मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक हैं। और इन दोनों देवियों की गिनती जो नव देवी कही गई हैं उनमें की जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं मनसा देवी और उसके बाद हम दर्शन कराएंगे आपको माँ कालका के, जो कालका शहर में स्थित हैं। मनसा देवी मंदिर के आते में पहुंच चुके हैं। यह मंदिर लगभग 100 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है जो शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में है। यह बिलासपुर गांव में, जो कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट और पंचकुला तहसील जो हरियाणा राज्य का है उसके अंदर स्थित है। बात करें उत्तरी भारत की तो ये 7 जो शक्ति पीठ हैं उनमें से एक प्रमुख मंदिर है। इस समय आप मंदिर के बाहर स्थित दुकानों का दृश्य देख रहे हैं। माता मनसा देवी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के मन की बातें जान जाती हैं और उनकी जो इच्छाएं होती हैं उनको अवश्य पूरा करती हैं। किसी कारण माता को मनसा देवी कहा जाता है। नाग कन्या का वर्णन है जो आगे चलकर मनसा देवी के नाम से प्रचलित हुई। इसी तरह अगर हम ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात करें तो इसमें भी एक नाग कन्या थी जो शिव तथा कृष्ण की भक्त थी। उसने कई वर्षों तक तप किया तथा भगवान शिव से वेद तथा कृष्ण मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया जो आगे जाकर कल्पतरु मंत्र के नाम से प्रचलित हुआ था। इन्हीं कन्या ने पुष्कर में जाकर तप कर भगवान कृष्ण के दर्शन किए थे तथा उनसे सदैव पूजित होने का वरदान भी प्राप्त किया था। अब हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं जहां माता के दर्शन करेंगे। यहां आपको प्रसाद यहां की जो मंदिर का बोर्ड है उसके द्वारा संचालित दुकान से खरीद सकते हैं जो काफ़ी सस्ती दरों पर उपलब्ध है। अब हम लाइन के माध्यम से माता के दर्शन करेंगे। चलिए आप भी मेरे साथ अब पूरा ध्यान माता के श्री चरणों में लगाइए और मेरे साथ माता का ध्यान करते हुए माता की प्रार्थना कीजिए। जरत्कार जगत गौरी मनसा सिद्ध योगिनी वैष्णवी नाग भगिनी सेवी नागेश्वरी तथा जरत्कार प्रिया अस्तिक माता विसरीति च महाज्ञान युता च सा देवी पुष्प पूजिता द्वादश शैतानी नामानी पूजा काले तु ये पठेत तस्य नाग भयम् नास्ति तस्य वंशोद्भव। यह जो श्लोक है वो वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड अध्याय में श्लोक नंबर 15-17 के लिया गया है। जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए श्रद्धा भाव से माता का स्मरण करता है माता उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं। अब हम मंदिर के दर्शन करके अब बाहर आ चुके हैं और एक दिव्य
पीपल वृक्ष देख रहे हैं, जहां श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर यहां धागा बांधते हैं और चले जाते हैं। जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो उस धागे को वो खोलने उन्हें यहां आते हैं और देवी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहां लोग वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं और अगरबत्ती और जो भी धूप है वो यहां देवी की लिए अर्पित करते हैं। देखिए ये बाहर का व्यू है, ऊपर से बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है। जब भी आप शक्ति पीठों में माता के दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ शिव मंदिर अवश्य होता है, क्योंकि शक्ति और शिव का जो मेल होता है। इसलिए अब हम यहाँ स्थित शिव मंदिर में दर्शन करके आते हैं। क्योंकि यहाँ कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए हम फोटो वहाँ का नहीं दिखा सके, इसका हमें खेद है। जब आपने माता के दर्शन किए थे तो आपने देखा था कि मूर्ति के आगे तीन पिंडियां हैं जिन्हें माँ का रूप ही माना जाता है। ये तीनों पिंडियां महालक्ष्मी, मनसा देवी तथा सरस्वती देवी के नाम से जानी जाती हैं। मंदिर की परिक्रमा जब आप करोगे तो यहाँ पर गणेश, हनुमान, द्वारपाल, वैष्णवी देवी और भैरव की मूर्तियां तथा शिवलिंग स्थापित है। दर्शन करने के पश्चात अब हम सीढ़ियों के माध्यम से नीचे जा रहे हैं और आपको इस मुख्य मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक अन्य मंदिर पर ले चलते हैं। वास्तव में जो ये परिसर है इसमें दो मंदिर हैं। जैसा हमने पहले दिखाया था वो मुख्य मंदिर जिसका निर्माण महाराजा गोपाल सिंह, जो उस समय ये जो क्षेत्र मनी माजरा के नाम से जाना जाता था, उन्होंने बनाया था और इसका निर्माण 1811 में शुरू होकर 1815 में पूरा हुआ था। दूसरा मंदिर जो आप इस समय देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो उस समय के पटियाला रियासत के महाराजा करम सिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, जो सन 1840 में पूर्ण हुआ था। मंदिर की दीवारों को भित्ति चित्रों के 38 पैनलों से सजाया गया है। माता मनसा देवी की जन्म की दो कथाएं मिलती हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव और पार्वती मानसरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे, तब दोनों का तेज इकट्ठा होकर कमल के पत्ते पर जमा हो गया, जिसका संरक्षण करने के लिए वहां मौजूद 5 सर्पणियों ने इस तेज को अपनी कुंडली में लपेट लिया। समय आने पर महादेव और जगदम्बा का यह तेज एक कन्या के रूप में बदल गया, जिसे बड़ी होने पर मनसा देवी के रूप में जाना गया। दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव सुंदर योगी का रूप धारण करके धरती पर विचरण कर रहे थे। उनका सुंदर रूप देखकर कपड़े धो रही एक ग्रामीण स्त्री उन पर मोहित हो गई। उन्हें बस में करने के लिए भगवान शिव के ही बनाए सावर वशीकरण मंत्र का प्रयोग कर दिया। अपने बनाए मंत्र की मर्यादा रखने के लिए शिव उस स्त्री के वशीकरण पास में बंध गए। इस संबंध से एक बच्ची उत्पन्न हुई जो मनसा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कथा के अनुसार मनसा माता का आधा अंश देवी है तो आधा अंश मनुष्य का। माता मनसा देवी का आसन हंस होता है, जबकि उनके सहचर सर्प होते हैं। उनके दो हाथों में अमृत भरा सफेद और विष भरा लाल कमल होता है, जिनके जरिए वो मनुष्य जाति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करती हैं। इनके 7 नामों के जाप से सर्प का भय नहीं रहता। ये नाम इस प्रकार हैं: जरत्कारु, जगत गौरी, मनसा, सिद्ध योगनी, वैष्णवी, नागभगनी, सैवी, नागेश्वरी, जरत्कारु प्रिया, आस्तिक माता और बिसरी। अब हम आपको कालका माता के मंदिर लेकर आ गए हैं, जो हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है और कालका शहर में स्थित है। इस शहर का नाम देवी काली के नाम पर रखा गया है। यह शहर हिमालय की तलहटी में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। यह शिमला और चंडीगढ़ के बीच स्थित है और अपने कालका शिमला रेलवे टर्मिनल के लिए प्रसिद्ध है। अब चलिए हम आपको मंदिर के अंदर लिए चलते हैं। जैसे ही आप इस मंदिर के भव्य परिसर में प्रवेश करेंगे तो आप पाएंगे कि इस परिसर के बाईं ओर भोलेनाथ की शिवलिंग है और उसके समीप ही माँ काली का चित्र बना हुआ है, जबकि दाहिने हाथ की तरफ देखने पर आपको माँ
काली का मंदिर दिखाई देगा जिसके अंदर माँ काली की प्रतिमा है और सामने देखने पर एक गुरुद्वारा है। ये सिखों का बहुत पवित्र स्थल है। मंदिर परिसर में गुरुद्वारे की उपस्थिति भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है और हिंदू धर्म की महानता को भी दर्शाती है। तो आइए आप भी मेरे साथ एक विशेष श्लोक का पाठ कर लें जिसे ककरादी काली सतनाम स्रोत कहा जाता है। इसके एक बार पाठ कर लेने से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नमस्ते पार्वती नाथ विश्वनाथाय दयामय ज्ञानात् परंतरम नास्ति श्रुति विश्वेश्वर प्रभो दीन बंधो दया सिंधो विश्वेश्वर जगतपते इदानीं श्रोत मिच्छामि गोप्यम परम कारणम रहस्यम कालिकायस्य तारायस्य स्रोतमं नमः शिवाय। चलिए आप भी अब मेरे साथ काली माँ के मंदिर के अंदर चलिए जहाँ हम आपको काली माँ के दर्शन कराएंगे। यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, फिर भी हम गुप्त कैमरे से आपके लिए रिकॉर्ड करके आपको दर्शन करा रहे हैं। बड़ी सावधानी से हमने रिकॉर्ड किया था। तो चलिए आप भी मातेश्वरी के मेरे साथ दर्शन कीजिए। जैसा आप जानते हैं माँ भगवती का सातवां शक्ति स्वरूप महाकाली हैं। पौराणिक मान्यताओं की माने तो माँ काली माँ पार्वती का ही उग्र रूप हैं। इस कारण वे भोलेनाथ की पत्नी हैं। काली माँ ब्रह्मांड की सभी तरह की बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। माँ काली को कालरात्रि, भद्रकाली, भैरवी, रुद्रानी, चामुंडा, चंडी, रौद्री और धुमोरना भी कहा जाता है। ऐसा आप दर्शन कर रहे हैं यहाँ माँ काली की जो मूर्ति है उसका केवल सिर दिखाई दे रहा है, धड़ दिखाई नहीं देता। वो एक अलग कहानी है और इसकी क्वालिटी भी ज़्यादा सही नहीं है क्योंकि हमने खुफिया कैमरे से इसको रिकॉर्ड किया था। तो चलिए आप इन शब्दों से माँ काली की प्रार्थना कीजिए मेरे साथ। नमो शैलपुत्री शिवा शंभुरानी उमा अम्बिका विश्व की है भवानी तू ही सृष्टि करनी सब कष्ट हरणी तू ही मौन धरणी महादेव वर्णी नमो क्रोधिनी कालिका बेग धारी सुनो कान दे माँ बिनती हमारी नमो माते गिरजा करो आस पूरी नमो अम्बे माता करो दुख दूरी करो दूर मेरे जित्ते पाप भारे परायो अंदिन दुआरे तुहारे बिना कौन तेरे हित हैं हमारी कहो कौन के द्वारे पे मैं पुकारूं बजे शंख वीणा नफारी नगाड़े रहे भीड़ तेरे सदा ही द्वारे खड़े हाथ जोड़े सेवक दुखारी करे आरती स्वच्छ पूजा तुम्हारी ओम क्रीम कालकाय नमः ओम श्री महाकालकाय नमः ओम कलिम कालकाम ये नमः। माँ के दर्शनों के बाद अब इस परिसर में जितने भी अन्य मंदिर बने हुए हैं उन पर प्रसाद सामग्री और अन्य भोग सामग्री चढ़ाई जा रही है और माँ की भभूत को भी जैसा आप देख रहे हैं एकत्रित किया जा रहा है जिसको घर पर अनेक कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो माँ के दर्शन बहुत शानदार हुए, आपको भी ये मेरा प्रयास पसंद आया होगा। अभी आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, अभी हम आपको यहाँ स्थित गुरुद्वारे में भी लिए चलेंगे और यहाँ जो भंडारा चलता है उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए अब गुरुद्वारे में हम आपको लिए चलते हैं। जैसा आप जानते हैं किसी भी गुरुद्वारे में बिना सिर को ढके हुए नहीं जाना चाहिए, तो हमने भी अपनी जेब से रूमाल अब निकाला और अपने सिर को ढककर हम गुरुद्वारे के अंदर जाएंगे और वहां अपना मत्था टेक कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हमारे साथ भी जितने यात्री थे वो भी अब पीछे पीछे सिर ढककर आ रहे हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये भारतीय संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति है जिसमें सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाता है, सिख धर्म और हिंदू धर्म। वैसे सिख धर्म का प्रादुर्भाव भी हिंदू धर्म से ही हुआ है और हम एक ही हैं। तो देखिए हम भी अपना मत्था टेक कर जैसे ही हम बाहर निकले तो देखिए यहाँ भंडारा जो चलता है उसका शुल्क यहाँ दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 7100 रुपये। यहाँ आप अनाथ, अपाहिज, विधवा, गरीब, रोटी से मोहताज लोगों के लिए भंडारे का आयोजन करा सकते हैं।
यहाँ इसी परिसर में बगल में भंडारा चलता रहता है। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट भोजन हर समय सुबह 11:30 बजे से और रात्रि 9 बजे तक चलता रहता है। देखिए भंडारे की जो कक्ष है उसकी दीवारों पर माँ के सुंदर भित्ति चित्र बने हुए हैं। और मैं तो यही कहूँगा, जब भी आप यहाँ आएँ दान पेटी में कुछ न कुछ अवश्य डाल कर जाएँ, जिससे बूढ़े अपाहिज और दीनहीन व्यक्तियों के लिए भोजन मिलता रहे, और यही सबसे अच्छी सेवा है। इन दर्शनों के पश्चात अब हम आपको बिलासपुर ले चलेंगे, जहां हम आपको नैना देवी के दर्शन कराएंगे। तो आप वीडियो को देखते रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे समय पर आपको सूचना मिलती रहे कि हमने कब वीडियो डाला है। हम सभी 9 देवियों के दर्शन आपको अवश्य कराएंगे। दर्शनों के बाद अब हम वापस लौटेंगे और जैसा आप देख रहे हैं मंदिर परिसर में बने हुए शिवलिंग के हम पुनः दर्शन करते हैं। आप जानते हैं किसी भी देवी के मंदिर में शिव की मूर्ति या शिवलिंग अवश्य होता है, क्योंकि शिव और शक्ति को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। और किसी भी देवी के मंदिर में शिव की आराधना विशेष फल देने वाली होती है, जो थोड़ी देर पहले हमने आपको कराई थी। ये माँ काली हैं,